प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/64 शुक्रवार चौथे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी शिवपुरी को याद करो विष्णुपुरी को याद करो बाप को याद करो वर्षे को याद करो माना एक को याद करें या चार चार को याद करें ये दो बातें कैसे हो गई है एक तरफ कहते एक शिव बाबा दूसरा न कोई और यहाँ तो चार बातें बता दी याद करने के लिए इसलिए बताई कि साकार सृष्टि में शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शरीर रूपी पुरी शिवपुरी हो गई और वो ही विष्णुपुरी भी है क्योंकि एक शिव बाप और दूसरा जिस प्रकृति के पुतले में प्रवेश करता है वो माता हो गई दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही शरीर में इसलिए विष्णुपुरी को याद करो बाप को याद करो कौन सा बाप जो शिवपुरी में प्रवेश है और फिर वर्षे को याद करो हमारा वर्षा क्या है तो लक्ष्य है वर्षा क्या है मुक्ति और जीवन मुक्ति तो जिसे मुक्ति का देवता कहा जाता है शांति देवा शांति धाम में पहुंचाता है जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है वो मुक्ति का वर्षा भी है ये बातें अपने आप से ही अंदर में बात करते रहे बात नहीं करनी होती है अंदर में बातें तो करनी होती है दूसरे से करेंगे चिंतन करना होता है अंदर से अपन से भी बातें करनी होती है ना तो अपन से ही चिंतन करके फिर बात करनी होती है विचार सागर मंथन करो और मंथन करके औरों को समझाना है तुमको भी यही समझाना है देखो बॉम्बे में एग्जीबिशन निकाल रहे हैं कौन से सन की बात है सन 64 की बात है जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और ढेर के ढेर चित्रों की प्रदर्शनी
कौन सी नगरी में तैयार हुई? हैं? माया की नगरी बॉम्बे में तैयार हुई। कितनी बिचारी मेहनत करती रहती है इस बात की है, बिचारे बिचारे क्यों है, मेहनत किस बात की करते रहते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने की मेहनत करते रहते हैं। कौन से चित्रों से है? जड़ चित्रों से प्रत्यक्ष करने की मेहनत करते रहते हैं। एग्जीबिशन बनाकर ये स्लोगन चाहिए इनके लिए, ये फलाना चाहिए। गीता में भी तो लिखा है, उनको भी तो 5000 वर्ष हुआ ना, उन्होंने भल लिखा है 3000 BC। तो समझेंगे बरोबर, देवी देवताओं का राज्य था। तो देवी देवताओं का राज्य कैसे मिला? उनको राजयोग किसने सिखलाया होगा? जरूर है ना भगवान वाच। बच्चे हम तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे याद करो, यानी शिवपुरी को याद करो। विष्णुपुरी को याद करो, ये रावणपुरी को भूल जाओ। तो बाबा ने कहा है उस पुरानी झूठी गीता में तो झूठी झूठ मेरी झूठ, सच की रत्ती नहीं है। क्योंकि गीता के भगवान का नाम ही उलट दिया। ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि एकदम झूठ। देखो दूध में भी पानी डालेंगे तो सब नहीं डाल देंगे, जरूर कुछ दूध छोड़ेंगे। जो दूध की सफेदाई तो देखने में आवे, जब भी कोई शिव के मंदिर में जाते हैं तो वो जो दूध देते हैं वो बिल्कुल ही जैसे नाम मात्र। एक लोटी इतने बड़े बड़े कलश में डाल देंगी, कलश सारा पानी से भरा हुआ होगा। तो उसमें एक लोटी डालने से थोड़ा रंग बदल जाएगा, देखने में तो आता है कि दूध चढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम भी जितना जितना बाप को याद करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत एकदम बहुत, जब तुम्हारा सारा बुद्धि योग जाएगा
तब तुम्हारा दूध शिव बाबा को चढ़ेगा। तब ही शिव बाबा राजी होंगे। तो जितना हो सके इतना बाप को याद करना, बस यही काम। बॉम्बे में जाएगा, एग्जीबिशन खोलेंगे, उनको ये बताएंगे। उस समय मेडिटेशन यही करते हैं, उठते बैठते चलते आपसे बातें करते, क्योंकि जब भी कोई से किसकी बात होती है, अगर उनका बुद्धियोग कहीं दूर होता है, जैसे समझो किसको अपॉइंटमेंट मिलती है, फलानी जगह जाना है, तो वो उनकी बुद्धि में रहेगा ना, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा सारा दिन भी बुद्धि में रहता है, मुझे आज फलाने के पास रात को 8 बजे जाना है। तो सुबह उनको प्रोग्राम मिला और बुद्धि में बैठा रहेगा। 1864 की वाणी का 5वां पेज। तुम्हारे से जब बात करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, तो भी जब समय नजदीक आएगा तो एकदम कहेंगे कि मुझे तो अभी जाना है। बात एक से करता होगा परंतु बुद्धि में रहेगा, मुझे तो अब जाना है फलानी जगह में। वैसे ही तुम भी बैठे बैठे बातें भले बहुतों से करो परंतु बुद्धि में रहे कि हमको वापस जाना है, हम बाकी थोड़ा समय के लिए यहाँ मेहमान हैं और हमको ये पुरानी कल छोड़नी है, हमको शिवपुरी जाना है और फिर विष्णुपुरी आना है, और ये जो रावणपुरी है इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि इस रावणपुरी से हमारी दिल नहीं लगती है, बड़ी छीछी बड़ी गंदी है ये दुनिया। वहां बैठ करके अगर किसको सुनावे और समझावे कि यहाँ संगम पर हम बैठे हैं और अभी हमें जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ शिवपुरी में जाना है, प्रदर्शनी में शिवपुरी का चित्र दिखाओ, ये संगम युग का काला कपड़ा, आयरन एज है, बाप बातें तो बहुत समझाते हैं। बॉम्बे वालों को भी अच्छी तरह समझाते हैं, ये बहुत अपना मत्था खराब करते हैं। कौन है, कौन मत्था खराब करते हैं, किसकी बात हुई, ये बॉम्बे वाले बहुत अपना मत्था खराब करते हैं। अरे किस बात में मत्था खराब करते हैं, है? अरे जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाने में मत्था खराब करते हैं। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी से
चैतन्य बाप भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? ये बहुत अपना मत्था खराब करते हैं। फिर कहते हैं सलोगन चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सब सेंटर्स से समझते हैं कि जो अच्छे सेंटर्स हैं हमको वहां से कुछ न कुछ आ जाए। अब क्या आएगा? सबके पास क्या रखा हुआ है? सबके पास ये चित्र रखा है, हैं? रश्मि में कौन सा चित्र बनाया खास? उसकी याद दिलाई। सबके पास ये चित्र रखा है, कौन सा? शिव का लिंग रखा है। जो मुख्य चीजें हैं सो बॉम्बे बड़ा सेंटर में तो है ही, और क्या दूसरा भेजेंगे? दो चार के स्लोगन से क्या हो जाएगा? यहाँ भले लगा हुआ हो भनमाना भव मर्यादी भव, कहाँ शिव के चित्र में? कौन सा चित्र? लिंग का चित्र। इस चित्र की तरफ इशारा किया है, जो लिंग का चित्र बनाया है उसमें किरणों में 32 गुण दिखाई है ना, तो बोला भले इस चित्र में लिखा हुआ हो मनमना भव मध्याजी भव, धूल भी नहीं समझेंगे। क्यों है? क्यों नहीं समझेंगे है? अरे लिखा होगा मन मना भव, जड़ चित्र के अंदर मन है तो मन मना भव कहां से हो जाएगा? शिवलिंग में कैसे जड़ लिंग में मन मना भव की बात आएगी? अच्छा चलो जड़ लिंग में मन लगाई दिया, फिर मध्याजी भव कैसे हो जाएगा? मेरे लिए यजन कर, यजन करना माने सेवा कर। जड़ लिंग के लिए कागज पे बने हुए लिंग के लिए क्या सेवा करें? किसी को बुद्धि में आएगा? आज भक्ति मार्ग वाले जो भी गीता सुनाते हैं भगवान वाद मन मना भव मध्याजी भव, अभी कौन सा भगवान वाच? भक्ति मार्ग वालों की बात की, इसमें भगवान होता है? भगवान कलाओं में बंधा हुआ होता है, 16 कला संपूर्ण होता है, कलाहीन होता है? यह भगवान बच्चा बुद्धि होता है, बच्चा होता है? कौन सा भगवान वाच? कौन सा मध्याजी भव? मेरे लिए यजन कर याजी भव। मेरे लिए सेवा कर, कोई बता दे कौन सा मन मना भव? डब्बे में ठीक नहीं रख दी,
कागज के चित्र में जड़ लिंग बनाई दिया, न वो खुद समझते हैं न औरों को समझा सकते हैं। इसकी बात बताइए, कौन नहीं समझते कौन नहीं समझा सकते हा? अरे ये प्रदर्शनी के चित्र की बात हो रही है, है? बम्बई वाले जो चित्र बनाए रहे हैं, जिन्होंने ये चित्र बनाए प्रदर्शनी के, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है 32 किरणों वाला, उसको न वो खुद समझते हैं न औरों को समझा सकते हैं। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझा सकते जड़लिंग से। जैसे झेंडरों में मिसल ट्रां ट्रां करती रहती, तो झेंडर और उनकी ट्रां उनकी सभा सुनती है। मैं देखो कि ट्रां ट्रां कौन सुनता है, है? एक मेंढक करेगा ट्रां, दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी करेगा ट्रां, सुनेगा और करेगा। तो ये ट्रां ट्रां मेंढकों की सभा सुनती है। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी अंक है, प्रदर्शनी के चित्र है, प्रदर्शनी में समझाए जाते हैं ना, कौन सुनते हैं और कौन समझाते हैं? क्या बता दिया उनको, हैं? मेंढक बताई दिया। जैसे वो बड़ा ढेंढर कहता है, बड़ा वाला ढेंढर कौन सा है? ढेंढर माने मेंढक। बड़ा मेंढक कौन सा है? अरे वो बड़ा ढेंढर कौन सा, किसकी तरफ इशारा किया है? अरे जिसने ये चित्र बनाए उसने समझाना भी तो सिखाया होगा। तो बोला, जैसे वो बड़ा मेंढक कहता है, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, वैसे वो ढेंढरों की सभा भी कहती रहती है, पतित पावन सीताराम। कहां जड़लिंग का चित्र, कहां पतित पावन की बात, कहां समझाने के लिए बोला पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ भी नहीं। अभी देखो, बात का अर्थ कुछ समझाना, कि वही तो बात है मन भगवान वाच, मन मना बाबा मेरे मन में समा जा। दूसरे फालतू संकल्प करने की दरकार नहीं है, हा? फालतू संकल्प करते हैं या नहीं करते हैं? और फालतू संकल्प करके अनिश्चय बुद्धि होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? अनिश्चय बुद्धि भी होते हैं। भगवान वाच लिखा हुआ है, मन मना भव मध्यादि भव का अर्थ है कि अपन मुझे बाप को याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो। क्या मतलब, शिव बाबा माने शिवलिंग? मुरली में तो नहीं बोला है ऐसा, मुरली में तो यही बोला है, साकार और निराकार का मेल ही शिव बाबा है। पहले शिवपुरी में आना है,
तुम असल में वहां के रहवासी हो और फिर तुम इससे राजयोग सीख रहे हो। इससे है और तुम फिर राजाई में चले आएंगे, विश्वपुरी में चले आएंगे। भला ये तो कोई तकलीफ नहीं ना किसको समझाने की। अरे भाई शिवपुरी को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो, ये ब्रह्मा बैठा हुआ है। ब्राह्मणों के बच्चे बैठे हुए हैं, शिव को याद करते हैं। विष्णुपुरी में जाना है, इससे पहले हमको शिवपुरी में यानी मुक्ति धाम में जरूर जाना है। पीछे जीवन मुक्ति में जाना है। क्या कहा है? सभी ब्राह्मण पहले कहाँ जावेंगे? शिवपुरी ऊपर है या नीचे भी? नीचे भी, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे अभी अभी बताया जिसमें प्रवेश करते हैं वो तलवी कौन सी पूरी हुई? शिवपुरी हुई। तो पहले शिवपुरी में मुक्ति धाम में जाना है। बनमना भव, जब बनमना भव बनेंगे तब कहेंगे गए। मेरे मन में समा जा, जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में संकल्प। और दूसरे आलतू फालतू संकल्प आते हैं तो मन में समा जाना कहेंगे। तो पहले मुक्ति धाम में जरूर जाना है, अर्थात शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है साकार में निराकार, उसके संकल्पों में समा जाना माने मुक्ति पाना। किससे मुक्ति पाना है? दुख धाम से, रावण के धाम से। ये दुनिया क्या है? दुख धाम है, इससे मुक्ति पाना है। तो पहले बाप के संकल्पों में समा जा, माना मुक्ति धाम में जाना हुआ। फिर कहाँ जाना है? हैं? फिर विष्णुपुरी में जाना है। पहले विष्णुपुरी या शांति देवा की पुरी? पहले शांति देवा की पुरी, बाद में विष्णुपुरी। तो पीछे जीवन मुक्ति में जाना है और जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको जाना है। हैं? सब जीवन मुक्ति में जाएंगे या कोई धर्म वाले ले जाएंगे? हैं? जीवन मुक्ति में सब जाएंगे या कोई रह जाएंगे? रह जाएंगे। कौन कौन रह जाएंगे? हैं? एक जन्म की जीवन मुक्ति है। और धर्म वाले रह जाएंगे? वो एक जन्म की जीवन मुक्ति नहीं पाते? तो जीवन मुक्ति में जाएंगे ना, रह क्यों जाएंगे? मनुष्य मात्र को जीवन मुक्ति में जाना है, क्योंकि गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है?
है सबका सदगति दाता एक ही है, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। जीवन मुक्ति का अर्थ भी तो समझो, अर्थ तो समझो। इसलिए समझाने के लिए उनको लिखा जाता है, इतना सब क्या मंगाएंगे। खाली मुफ्त में खर्चा होगा, इनको लिखो है? जिन्होंने बैठ ये प्रदर्शनी के ढेर जलचित्र बनाए हैं, बाबा ने तो मुरली में बोल दिया माया की मत पर बैठ करके ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। अगर चित्र बनाएंगे, चित्र सब है, हाँ एक्स्ट्रा चाहिए जो यहाँ चित्र हो। जब हम कराची में थे तो बड़ा मैदान था, अठारह नौ चौसठ की वाणी का छठा पेज, टेबल और दो कुर्सियां रखी रहती थी, जो आए उनको बैठ करके समझाया। ऐसी शुरुआत थी, आगे तो इतना ज्ञान पूरा नहीं था, अभी तो बिल्कुल ही सहज है। उनको चित्र दिखला करके सिर्फ बोल देना है, अरे भाई बाप को जानते हो या नहीं जानते? दो बाप हैं, बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। बाप ने कहा आगे पांच चार वर्ष भी कहा था, मन मना भव मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो, वर्षे को याद करो, समझा ना? चित्र दिखलाया, जाकर उनको बिठाया, बिठा करके जैसे शुरुआत में तुम कहते हो, बिठाए करके तुम जैसे लाइट हाउस बन करके बैठते, शिव बाबा को भी याद करते थे तो विष्णुपुरी को भी याद करते थे, वो भी याद में बैठ करके ध्यान में चला जाता था। ऐसे होता था ना, बहुत होता था। अरे सुनते सुनते ही वहां ही गिर पड़ते थे, उस समय तो थोड़े आते थे, अंत में तो बहुत आएंगे, तब फिर उनको तुम कहां बिठाएंगे? वहां कराची में भी तो बहुत आते थे, एक यहाँ एक वहां एक यहाँ बिठाते थे, यहाँ भी आते हैं तो कुर्सियों पर बिठाते हैं, कमरे में बिठाते हैं, वहां तो बड़े मैदान में बैठे रहते थे। और उस समय में तुम्हारे में कितना बल था बाबा, बल दिखलाता था।
तुम सब तो छोटी-छोटी कलियां थी और कलियों को मम्मा बाबा ने लगाया समझा ना ये सभी चमत्कार बाबा का था सबको रस्सी खींच करके ध्यान में विश्वास बताने के लिए परंतु देखो कितने आश्चर्यवत भागंती हो गए चले गए अभी भी समझाने की तो बहुत जगह है परंतु क्या करें आजकल तो आदमी देख करके सामने बिठाना होता है नब्ज देखने वाला अकलमंद चाहिए जास्ती नब्ज देखने की तुम्हारी ऊपर है सारी क्योंकि तुम बहुतों की नब्ज देखते हो मम्मा बाबा थोड़े ही बहुतों की नब्ज देखते हैं तुम अच्छी तरह से समझाने से उनसे पूछना करना फार्म भराना और फार्म तो जरूर भराना है फार्म बगैर तुम उनके ऑक्यूपेशन को किसका भगत है इनका गुरु कौन है फलाना कौन है ये सब कैसे जानेंगे क्योंकि तुमको जब तक बाप तुम्हारा कौन है और गुरु क्या है और तुम कितना क्या करते हो धंधा करते हो नौकरी करते हो तो नौकरी करते होंगे समझेंगे ये टीचर से पढ़ा हुआ है तो टीचर सिद्ध करना है बाबा बोलते हैं टीचर तो तुमको ये बनाया और वो जो टीचर है वो स्वराज्य करना सिखलाते हैं देखो कितना बड़ा टीचर है तुम्हारा भी टीचर है और हम लोगों का भी टीचर उनसे पूछो तुम्हारा गुरु तुम्हारा टीचर तुमको क्या बनाएगा बैरिस्टर बनाएगा सुबह अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए और वो भी पता नहीं बैरिस्टरी पास करके तुम मर भी जाओ मर सकते हो फिर तुम्हारी बैरिस्टरी उड़ जाएगी यहां तो ये सुप्रीम टीचर है ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो इस जन्म में भी बेकार नहीं जाएगी और जन्म जन्मांतर काम में आती रहेगी ऐसे है ना यहाँ अगर पास हो तो ऐसे थोड़ी ही है बैरिस्टरी उड़ जाएगी जितना जो पास करते हो वो तुम साथ में ले जाते हो तो तुम्हारी ये पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है ऐसे मत समझो आत्मा के लिए कि ये कोई भूल जाती है अरे आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं तो आत्मा कहाँ भी है छोटी है कुछ बोल नहीं सकती है आदम जब बड़ा होगा तो कुछ बोलेगी छोटे ऑर्गन्स में रहता है वो चमकता है पर बोल नहीं सकता कर्म इंद्रियों से एक्ट में नहीं आ सकता है बाकी संस्कार क्यों नहीं होते हैं
18964 की वाणी का सातवां पेज। तुम जानते नहीं हो कितने संस्कारों का वर्णन करते हैं। क्राइस्ट था, फलाना था, बहुत चमत्कारी था, सर्प भी उनको नहीं जस सकता था, ये नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता था। ये बच्चे जहां भी जाएंगे वो अपने संस्कार ले जाते हैं। ऐसे मत समझे ये कोई फालतू या विनाशी ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान कोई विनाशी थोड़ा ही है, जो फिर नए सिरे से पढ़नी पड़े। नहीं, इनको फिर जो बड़ा होगा तो आ करके अपना सुनाएगा, दूसरों को दे देगा। बहुत जो गए हैं तो ऐसे थोड़े ही हैं कि फिर नहीं मिलेंगे। नहीं, वो आत्माएं फिर से आएंगी। कहां न कहां जरूर होंगी, कहां न कहां किसका कल्याण करेंगे, कहां न कहां अपनी प्रेरणा से अपने माता पिता को भी प्रेरित करेंगे, उनको दिखलाएंगे। छोटा है ना, छोटा है तो इशारे से काम लेंगे। बात चल रही थी तो छोटे बच्चे भी अपने माता पिता को प्रेरित करेंगे, उनको दिखलाएंगे। छोटा है ना, छोटा है तो इशारे से काम लेंगे। यहाँ मम्मा बाबा की गोद में आएगा तो देखने से ही वो जैसे की पहचान लेंगे। उनका लव आत्मा का, आत्मा की कशिश में जाएगा जिससे उनकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। तो तुम्हारे में एक दूसरे के साथ भी लटकते पड़ते रहेंगे। वो आत्मा समझेगी बल बात नहीं कर सकेगी, परंतु अपने हम जिन्स की तरफ उनका लव जरूर जाएगा। तो ये विचित्र बातें हैं। नाल जी रमणी कहे, और बहुत सिंपल। इसलिए बुद्धियों के लिए जो बिल्कुल ही एकदम बुद्धू है, चट्ट है, जो बुद्धि खिलती ही नहीं है, खत्म हो करके फिर कांटे का कांटा ही हो जाएगी। फूल हो तो फिर धर्म में भी आए, ऐसे तो नहीं कि कोई दूसरे धर्म में जाएंगी। इस गुलाब के झाड़ में आएंगी, परंतु ये थोड़े ही है कि गुलाब के झाड़ में खिले हुए फूल बनेंगे। और गुलाब का झाड़ होता है सतयुग में, अभी वो ही कांटा बना है, तो उसमें कुछ भी गुलाब नहीं, इतना समय से बिल्कुल कांटे हैं। अभी उनसे मुखड़ियां ये निकलती रहती हैं। तो ये समझना है कि बरोबर हम तो सदा बेहद के गुलाब के भांति हैं, फिर जाएंगे भी, भले मुखड़ी नहीं खुलेगी, छन जाएगी तो भी प्रजा में तो आएंगे ना। परंतु क्या ऐसे ही मुरझा करके खत्म हो जाना है। ये पढ़ाई हुई,
पढ़ाई तो हुई कि यहां तक जरूर आना चाहिए, यहां तक ना आ सके तो थोड़ा भला वहां तक ही आवे, पर एकदम मुखड़ी बंद की तो नहीं, बंद ही तो नहीं रहेगी। तो देखो ये प्रजा में चले जाएंगे एकदम, और ये फूल जो बनेंगे वो राजा ही में आ जाएंगे। बाबा जाते हैं बगीचे में, भगवान तो है ना, तो वहां जाकर के उनका विचार सागर मंथन चलता है कि कैसे बच्चों को समझावे। देखो फूल भी तोड़ करके लाते हैं बच्चों को दिखलाने के लिए कि कुछ समझो, नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि एक तो विक्रम का बोझा पहले से ही बहुत चढ़ा हुआ है, दूसरा ये बाप बैठ करके बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और उस मेहनत से भी कुछ सीखते नहीं है, तो ये दूसरा है उनके ऊपर सजा। बस सजाएं खाए खाए करके तो जाकर के प्रजा में कचरा पद पाई लेंगी। ये देखो बरोबर है लेने वाले, क्या करें, कोई बागंती वाले हैं, कोई यहाँ रह करके भी कुछ खुलते नहीं है। बागंती वाले फिर भी जाकर के कांटों के झाड़ में, गुलाब के झाड़ में तो आ ही जाते हैं, तो ये अभी समझ गए हैं ना कि हमारी देवी देवता राजधानी स्थापन हो रही है। और हम हरेक को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, इस राजधानी में कौन कौन क्या बनेगा, 18964 की वाणी का 8वां पेज उनके दिल में तो रहेगा ना, नरसिंह नारायण बनने की बात तो क्या होगा, वो अच्छा पढ़ने वाला होगा, खुशबूदार होगा, उनको बाघ ही पहनते रहेंगे, बाहर में नहीं अंदर में उन्हें एक दो को प्यार करते रहेंगे। जो सेंसिबल होंगे उनको समझेंगे, ये राजाई घराने में आ जाएंगे और ये फलाने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आगे चल करके तुमको तो बहुत कुछ साक्षात्कार भी होता रहेगा। और जो न पढ़ने वाले हैं वो पीछे पड़े पछताते रहेंगे, तो फिर समय तो बहुत थोड़ा रहेगा, इतना कौन गैलअप कर सकता है। तो ऐसे न हो कि पिछाड़ी में पछताते रहे, इतना बाप समझाते हुए कि बच्चे अगर कोई विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड, पीछे तो पता नहीं क्या ट्रिब्यूनल में खाल उतारते रहेंगे। तो देखो जो गर्भ जेल वाले, जेल में जाने वाले चोर होते हैं, उनका तो धंधा ही ये हो जाता है, बस हमारे पास भी ऐसे समझो कि हम तुमको तो सजाएं ही खानी है, हैं तो बरोबर उस झाड़ के, परंतु हम तो नीचते नीच पद हुआ, क्योंकि पद भी तो होते हैं ना, नीचते नीच कौन को कहेंगे,
चांद डाल का गया हुआ है और ऊंचते ऊंच कौन सा है महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनना तो नंबर वार है ऐसे तो नहीं है शर्त मार लिया अपने से कि हम तो चंडाल का चंडाल ही बने रहेंगे या तो जाकर के बबूरची ही बनेंगे या तो कोई प्रजा में भी चल जाएंगे अभी प्रजा के तो तुम जो बच्चे हो बने हो वो तो नहीं है बस बागंती हो जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा बागंती बनने वाले उनका बहुत घाटा हो जाएगा तो कितना अच्छी तरह से बाप बैठ करके साफ समझाते हैं परंतु तकदीर के आगे अगर कम वक्ति की तकदीर है तो उनको तदबीर कराने वाले क्या कर सकते हैं तदबीर तो बताते ही रहते हैं बहुत अच्छी बाप तो कहते हैं कि बच्चे फूल बनो और कभी भी भूलो मत कितना रोज रोज समझाते हैं ऐसे बाप का कभी हाथ नहीं छोड़ना ये अजगर है बड़े भारी ये अजगर तुमको कच्चा खा जाएंगे क्या कहा कौन है अजगर बड़े भारी हैं? अरे जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं वो अजगर हैं बड़े भारी ये तुमको कच्चा खा जाएंगे ये ग्रह है ना ग्रह ने गज को खाया बरोबर ये हाथी रूपी महारथी कौन थे पांडव ही थे उनको ये माया रूपी ग्रह ने खा लिया मगरमच्छ ने खा लिया तो बच्चे ऐसे गफलत न करें अपना जो राजभाग मिलने का है वो गुमाए करके फिर पीछे जा करके क्या बनेंगे फिर जन्म तो होगा कल्प कल्पांतर ऐसे ही उनकी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हो कल पहले भी उनकी ऐसी तमो प्रधान चलन थी इनकी सतो प्रधान है कोई की सतो है रजो है तमो है यहाँ भी चलन तो सबकी होती है ना तो बरोबर देखने में ऐसे आता है और ग्रहचारी भी बड़ी कड़ी बैठती है बात मत पूछो अच्छों अच्छों के ऊपर कितनी कितनी ग्रहचारी बैठती है देखते हो अंदर के काले और बाहर के सच्चे ऐसे ऐसे देखने में आते हैं वो कोई बाप के पास थोड़े ही चल सकेंगे क्या बोला मुरली में
जो अंदर एक और बाहर से दूसरा है वो बाप के नजदीक नहीं आ सकता। अगर काले होंगे और कुछ न कुछ गफलत होगी तो वो आत्मा भी काली रहती है, उनका परछावा ही काली काला पड़ता है। जिनके ऊपर परछावा पड़ेगा उनको भी काला बना देगा। तुम लोगों को ये बाबा एक एक दृष्टांत वगैरह कोई न कोई प्रकार से कितना समझाते रहते हैं, तो क्या करें? काले संग तो काला ही देखने में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से नहीं निकालो। 18964 की वाणी का नवा पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ ईवल ही सुनते हो और जो बाबा के महावाक्य हैं वो सुनने के लिए कान बंद कर दो। ऐसे भी कान बंद कर देते हैं एकदम, तो जैसे बुद्धि को ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि योग नहीं है, रिगार्ड नहीं है। तो जैसे ये सब गुप्त है तो ये सजाएं और विकर्म भी बहुत गुप्त बन जाते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, बच्चों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि है तो बरोबर बिलेवेट बच्चे परंतु नहीं, बिलेवेट मोस्ट ऐसे कहा जाता है ना। तो लव्ड में भी नंबर वार। अच्छा, बहुत क्या समझाएं बच्चों को, इतना काफी है, परंतु क्या करें? यहाँ सुनते हैं, कोई दान करते हैं, कोई तो बस दरवाजे से बाहर निकल करके जाओ तो बुद्धि में बैठता ही नहीं, ताला बंद। शिव बाबा का कोई ने डिसरिगार्ड किया और शिव बाबा की बात को न माना या बाबा न माना तो ताला बंद हो जाता है। ताला खुलता ही नहीं है, तो देखते भी हो कि खुलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें याद ही नहीं है, बिल्कुल ही एक पाइप ऐसे कि अभी किसका ताला नहीं खुलता। अच्छा, टोली ले आओ। ये तो ग्रामर है, कल पहले भी ऐसे ही था। कोई भी बच्चा धक्का खाए, चोट लगे, कुछ भी होता है तो जो बड़े होते हैं उनको तरस पड़ता है। तो ये बाप जब देखते हैं कोई बच्चों को माया ने धोखा दे दिया तो उनको दिल में दुख होता है, उफ, इन बिचारों को चोट लग गई। परंतु क्या करें, अपनी ही गफलत है, फिर भी तरस तो पड़ता है ना। गफलत से कोई गिर पड़ता है तो भी माँ बाप गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं। बहुत बच्चे हैं उनको घर से निकाल करके गुरुशाला में जाकर के बिठाते हैं। कहाँ बैठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनाथ आश्रम में भी बैठा देते हैं। ऐसे बहुत हैं ब्राह्मणों के बच्चे जो उनको तंग करते हैं तो अनाथ आश्रम में भी बिठाए देते हैं या कोई गुरुकुल में बैठा देते हैं, या गुरुकुल के लायक न होने से फिर उस गुरुकुल में जाते हैं। ऐसे भी होते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे करते हैं। समझा ना, बाबा के पास बहुत समाचार आते हैं, बाबा ये ऐसा है वैसा है, क्या करें? अगर गरीब हो तो अनाथ आश्रम में डालो, अगर कुछ पैसा खर्च कर सकते हो तो गुरुकुल में डालो,
या अपने लायक नहीं है तो फिर वहां जाकर के डाल देते। खुद जो इस सतगुरु कुल के रहने वाले हैं वो उन कलयुग गुरु वालों के में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा है, गुरुकुल कोई भी हो उनमें तो वही शिक्षा मिलती है। वहां तो टीचर को भी गुरु को आ जाता है, जिस्मानी गुरु पढ़ सकते हैं तो उसको फिर गुरुकुल में पढ़ने दो, ना होगा इस गुरुकुल के लायक तो फिर क्या करें। अच्छा, माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग।